सही टाइम पे पहुंचे, आरती के टाइम पे पहुंचे एकदम। किसी ने भीड़ में पात दिया, नाक बाल जल गए मेरे भी, मेरे भी। सो हेलो गाइस, क्या हालचाल, मैं तुम्हारा भाई तुषार पंगाल, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, हम जा रहे हैं शिखर राजस्थान बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए, और पूरी फैमिली जा रही है, और ब्लॉग बनाएंगे शिखर जिले में श्याम बाबा के मंदिर का, और हम बाबा के दर्शन करेंगे और सब चलते हैं, फिर बोलते हैं सभी प्यार से जय श्री श्याम, और मिलते हैं शिखर जिले में। पहुंच गए गुड़गांव में, और अभी तो वह खैर काफी दूर है सफर, बाकी अपना सह परिवार बैठा है पीछे की तरफ, देख रहे हो भाई तुम, उधर मम्मी बैठी हुई है, बीच में शिखा और पीछे डिग्गी में बच्चे भर रखे हमने, और ये हमारी नीटा दीदी है। बहन कहाँ गई? नहीं हूँ। दिखना दी कौवा दी आई है पड़ी तो सारे घर के मेंबर्स बैठे हुए हैं, बस दो जनों को घर छोड़ कर आए हैं, पापा को और छोटे वाले भाई को, क्योंकि चौकीदार भी चाहिए घर में एक ना एक तो दोनों को वहीं छोड़ के आए हुए हैं, बाकी अभी चल रहे हैं रास्ते में और वहां पहुंच के फिर दिखाते हैं। सो बाय गाइस, 91 किलोमीटर रह चुका है और बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, अभी लिया थोड़ा सा ब्रेक, ढाबे पे रुके हैं, चाय वाय पियेंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से, ढाबा दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए, चाय वानी पीते हैं अपना, थक चुके हैं, गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है, फिर निकलते हैं यहाँ से। ये अपने बच्चे लोग, गाड़ी चला चला के पाँव की बुरी हालत होगी, बट ये मज़ा आ रहा है सफ़र में, रात के सफ़र में अलग ही मज़ा होता है। रात का सफ़र मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है करना, क्योंकि एकदम रोड शांत होता है और लाइटिंग वाइटिंग मज़ा आ जाता है। तो भैया हाईवे पर ठंडी हवा चल रही है, तो बेचारी हमारी बहन को तो लगी ठंड, और मम्मी हमारी प्रयास कर रही है गाड़ी से उतरने का। मम्मी तो चल, मम्मी तो हमारी पहली बार जा रही है, बहन तू भी पहली बार जा रही है ना? पहली बार जा रही है श्याम बाबा के दर्शन करने, मैं दूसरी बार जा रहा हूँ, और तू वही ठंड ज़्यादा लग रही है हमारी मम्मी की, नींद में सारे के सारे थक गए, अब वैसे इतने जोश में सुबह सुबह जब, मतलब सुबह से तो ना चले खैर, जब चले थे घर से शाम को, जब सब जोश में थे, अब सब थके बैठे हैं। आ गई हमारी चाय, सही है ठीक है, मतलब चाय पी के फिर हम निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं बाबा जी के धाम, ब्लॉगिंग शुरू करते हैं वहाँ से, क्योंकि अभी तो हालत हो रही है खराब, बहुत ज़्यादा खराब, ठीक है भाई। सो गाइस, निकल चुके हैं अपना, मतलब चाय पानी पी लिया, हम यहाँ से निकलते हैं, तो पहले पहुँचेंगे शिखर, फिर पहुँचेंगे अपना खाटू बाबा के दर पे, और मिलते हैं फिर वहीं भाई। पहुंच गए श्री श्याम सरनम गेट पर, मतलब मम्मी है, शिखा है, दक्षा और बाकी पीछे आ रहे हैं, ये रहा तोरण द्वार, ये हैं श्याम बाबा जी की शुरुआत, यहाँ से आ जाओ, दक्ष ये रहा हमारा, ये रहा द्वार, श्री श्याम सरनम द्वार। अपने सफ़र की शुरुआत बाबा के मंदिर की द्वार से, और चल रहे हैं धीरे धीरे अपना पूरा परिवार, ये बैग्स, मम्मी पीछे शिकारी है, परी आ रही है, ये सब तक टेढ़ी पड़ती है वाली परिक्रमा जो लेट कर लगाते हैं, बोलहारे के सहारे की जय, बोल हारे के सहारे की जय, जय जय।
प्रसाद कहाँ से लोगे? प्रसाद कहाँ से लोगे? जी कर दिला दी भाई। और तुम्हारा भाई निशान लेकर आएगा 18 किलोमीटर चल के परिक्रमा लगा के पूरी। अभी तो फिलहाल नहीं लगाए, अगली बार जरूर लगाएंगे। गाइस प्रसाद ले रहे हैं अभी, प्रसाद लेके निकलते हैं यहाँ से बाबा के मंदिर की तरफ। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए मंदिर से, बस थोड़ी सी दूरी पे हैं। चलो ये पूरा परिवार अपना चल रहा है। तो गाइस भीड़ तो है, कोई फायदा ना, शॉर्टकट कितनी ले लो, पहुंचना तुम्हें वहीं है। चल चल फोटो में खींच रहा मैं। सही टाइम पे पहुंचे, आरती के टाइम पे पहुंचे एकदम। श्री श्याम सारे के सारे की जय। गाइस पंखा देख रहे हो कितना बड़ा है, एक वहां पे भी दुनिया का सबसे पहला बड़ा पंखा आज मैंने देखा है अपनी गाइस। अच्छा पर एक बार चल जाता तो और रोने उड़ी जाते। कुछ देर में बाबा के दर्शन करने वाले हैं, ये मेरी बहन है ये भी करेगी दर्शन। किसी ने भीड़ में पाट दिया, नाक के बाल जल गए। तेरे भी मेरे भी क्या ब्लॉग को काट दो इस वाले। अच्छा बहुत कोई बात हो रही है। तो गाइस कुछ देर में होने वाले हैं बाबा जी के दर्शन, बस थोड़ी सी दूरी पे हैं बाबा हमसे। बहुत गलत हुआ यहाँ से बड़े गलत पाए, वरना हम वहाँ से आते ना तो सीधा के सामने आते श्री श्री साढ़े फोन में छीन ले छीन ही लगा। फाइनली गाइस बाबा के दर्शन हो गए हैं, बड़े ही अच्छे हुए और बड़े ही प्यारे हुए। वीडियो लोग बनाने नहीं देते वरना फोन वोन छीन लेते हैं, तो वीडियो बना नहीं पाया था। सो अब चलते हैं यहाँ से, बाबा के दर्शन कर लिए, मन कर रहा है एक बार और करूँ, बट देखते हैं अगर मौका मिला तो एक बार और करूँगा। ठीक है कैसे हुए दर्शन? बढ़िया, ये पर पिंडी सी भर गई, चले भी ना जाते मेरे तो दुख रहे तो। थोड़ी देर के दर्शन हो रहे हैं बिल्कुल, मतलब ऐसे 15-20 सेकंड के लिए दिखाएंगे फिर धक्का दे देंगे तुरंत। चलो चलो आगे, मैंने तो पूरे करे पुलिस वाले से कही बस भैया यही है कहीं ना जाना नथना जी बस हो गए। मैंने तो कुछ ना, मैंने 1.5-2 मिनट करे दर्शन पूरे रुक के एकदम तसल्ली से, मुझे तो धक्का दिया लास्ट में चला के मैंने जब गया। अब चला घर को है, चलते और कहीं का प्रोग्राम है करोगे ऐसा ना, हम इसमें थक गए अब कहीं चलने का मन ना कर रहा। अब घर निकलेंगे थोड़ी देर में, खाना वाना खाएंगे रास्ते में कहीं, फिर घर निकलते हैं। काले तो पहन के भी नाचते हैं गाइस। अब हम आ गए हैं वापस तोरण द्वार पर, और तोरण द्वार से होते हुए निकलेंगे अब अपने घर और आएंगे अगली बार फिर श्याम बाबा के दर्शन करने। सो गाइस दर्शन हो चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। सो मिलते हैं अब घर जाके। कहाँ भी दर्शन कैसे हुए आप लोगों के? बढ़िया। तो प्यार से बोलो हरे के सहारे की जय, बोल खाटू नरेश की जय। तो मिलते हैं घर, अब निकलते हैं यहाँ से। बाबा ढोलक की जय।
सो गाइस हम जा रहे हैं टनल के अंदर। मैं दूसरी बार आया हूँ इस टनल के अंदर। तू आई बहन? कोई भी नहीं आया। देखो ये वो टनल ना है, ये बहुत लंबी टनल है, आप देख रहे हैं। ये देखो है ना, कुछ सुबह से दिल्ली का राउंड ही काट रहे हैं, चार बार रास्ता भटक गए हैं, अभी तक ये पता नहीं चलता घर कब पहुंचेंगे। अब टनल के अंदर से निकलते हुए जा रहे हैं। ये मैडम लगाई हुई है मैप साहिब, चार गलियां तो इसलिए हंडवा दी भी फालतू में हमें, और पहुंच जाएंगे घर थोड़ी देर में। नोएडा की तरफ निकल जाओ। नोएडा किंगे था? नहीं, आईटीओ की तरफ निकलो। किंगे नहीं, आईटीओ की तरफ इधर है, नोएडा की तरफ सीधा। आईटीओ की तरफ नहीं, जैसा मैप बता रहा वैसे चलो। वैसे तो मैप मैप तो अभी लोड टप पड़ेगा, अभी खड़े हैं। आईटीओ की तरफ जा रहे हो तुम? मैं तो मेरी कहीं आईटीओ की तरफ चलो। ना मैं तो कह रहा हूं जाके मैप करो, मैप चलो। मैप तो लोड टप पड़ेगा, मैप तो लोड था। मैप भी सुननी है भैया, सब बता दूंगा। ले दक्ष तो पूरी नींद कर रखी है, तो अपनी चालू मेरी गोद में बैठा हुआ है, मेरी गोद भी तोड़ दी इसने। बाकी अभी हम दिल्ली में घूम रहे हैं, अभी एक रास्ता और हमने गलत मोड़ ले लिया, तो फिर मैप वाली मैडम बोल रही है कि गलत ले लिया भैया तुमने मोड़, दोबारा से आओ घूम। नोएडा 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 किधर की तरफ चल दो, फरीदाबाद। दुखी हो गया यार, सफर में टूट जाता है इंसान। फाइनली हमें हमारे घर का रास्ता मिल गया, अब हम घर पहुंच रहे हैं। गोद सुन कर दी है इसमें मेरी, पता ही नहीं चल रहा कमर के नीचे का हिस्सा कहीं है भी या गायब हो गया ना। वो तो नीचे का था। चलो ठीक है, तो हम चलना बस घर पहुंचने वाले, कोई से भी चलो, मेन सीधा वहीं निकलेगी रोड, उधर ही इधर चलो एक ही रोड है। तो 110 रुपए लीटर है तेल। हाँ क्या भरवाया, इतना महंगा हो गया वहाँ पे? 110 महंगा ही तो है यार, तेल कितना महंगा हो गया, गैस कितनी महंगी होगी। मतलब देश के बारे में कोई सोच नहीं रहा, मुझे कोई वोट देगा तो मैं बताऊंगा। पहले तो सब्सक्राइब ही कर दो, 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाएगा तो शायद मैं विधायक की तो ऐसी चीज अब भाई घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर भाई आराम करेंगे, थक गए टूट गए शरीर, दुखी दुख गया एकदम बिल्कुल। अध्यक्ष आराम से सोता हुआ है भाई मेरी गोद में, तो चलते हैं घर। बाय बाय। सो गाइस फाइनली 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 हम घर पहुंच गए हैं, बड़ी मुश्किल से रास्ता भटके फिर मिला, फिर भटके फिर मिल गया, फाइनली हम घर आ गए। और अब ब्लॉग को करते हैं एंड, सभी घर पे कर रहे हैं आराम। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए जय श्री शाम। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। जैसे छोटी सी फैमिली है, बड़ी जल्दी इस फैमिली को बड़ा करेंगे, और से भाई को जोड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन तीनों को ज़रूर दबाइएगा। बाय।